हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आपका वेलकम है आज के एंटोमोलॉजी के सेशन में। ठीक है तो अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, हाँ, तो एंटोमोलॉजी में हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चीजें भी होती हैं और फैक्चुअल चीजें भी होती हैं। ठीक है, दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपके एंटोमोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको फैक्ट्स याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? क्या सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूं। ठीक है, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपके पास जो उसके फैक्ट होंगे उसको याद करना आसान हो जाएगा। एंटोमोलॉजी में हर एक को लगता है कि उसको याद करना मुश्किल है, पर आपके बेसिक्स कमजोर होते हैं उसकी वजह से आपको उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें आपके पास बेसिक वाला पोर्शन भी हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग साथ में ज्वाइन करके रखिए और साथ साथ मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट, ताकि हम देखेंगे कि आप लोगों को कितना आता है और कुछ हम यहां से सीखेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंसेक्ट्स एंड द एंटीने फाउंड इन देम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंसेक्ट्स एंड द एंटीने? फिलीफॉर्म ग्रासहॉपर, मुनीलीफॉर्म टर्माइट, सेरेट पल्स बीटल एंड एरिस्टेट सिल्क मॉथ। क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए, कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हमारे पास आता है एरिस्टेट सिल्क वॉर्म मॉथ। एरिस्टेट हमें किसमें देखने को मिलता है? हाउस फ्लाई में हमें देखने को मिलेगा। एंटीने की मॉडिफिकेशंस मैंने यहां पर आपके लिए सारी डाल दी हैं, क्योंकि एंटीनास में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, सारे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्वेश्चन में, तो सब एग्जाम्पल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल। ये सारे टेबल्स आपके लिए इंक्लूड कर दिए गए हैं ताकि आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर लें, एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ लेग्स फाउंड इन देम। अब इंसेक्ट में कौन सी लेग्स हैं उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? साल्टेटोरियल हाइंड लेग ऑफ ग्रास हॉपर, पॉलन कैरिंग लेग हाइंड लेग ऑफ वर्कर हनीबी, एंटीना फोर लेग ऑफ वर्कर बी, एंड ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा आंसर है इसमें से सही फटाफट बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास सही है। साल्टेटोरियल हमें ग्रास हॉपर में ही देखने को मिलती है और उसकी हाइंड लेग होती है, पोलन वाली भी हमारे पास वर्कर हनी बी की हाइंड लेग होती है, और एंटीना हमें फोर लेग्स ऑफ वर्कर बी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीना क्लीनर रहते हैं हमारे पास फोर लेग्स ऑफ वर्कर बी में। अब टाइप ऑफ लेग्स की बात करते हैं, तो इसका भी टेबल की फॉर्म में आपके पास सारा डाटा आपको देखने को मिल सकता है, कौन सी लेग है और कौन सी मॉडिफिकेशन है, ये सब आपके लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको इंसेक्ट के बारे में पता है कि इंसेक्ट की बॉडी कैसी होती है, तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आप इनके फैक्ट्स भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ विंग्स फाउंड इन इंसेक्ट्स। कौन से विंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जो स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू। एलाइट्रा फोर विंग्स ऑफ बीटल्स एंड वीवल्स, हॉल्टेयर्स ट्रू फ्लाइज, फ्रिंज्ड विंग्स थ्रिप्स, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या आंसर आ जाएगा इसमें हमारे पास, बताओ फटाफट, बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अगेन ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास सही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एलाइट्रा हमें बीटल्स में ही देखने को मिलेंगी। हॉल्टेयर्स क्या होते हैं? नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें ट्रू फ्लाइज में मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। इनमें सिर्फ वन पेयर ऑफ विंग हमें देखने को मिलता है, एक ही पेयर है, मतलब सिर्फ दो पंख होते हैं, दूसरे वाले पंखों की नॉब बन जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इनका टेबल भी आपके लिए इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हमें कौन से ऑर्डर में देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स ऑफ द इंसेक्ट। तो ये सारा आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू
रिगार्डिंग इंसेक्ट एंड देयर ऑर्डर्स, इंसेक्ट के ऑर्डर्स भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको इंसेक्ट के ऑर्डर्स के बारे में पता है, अगर आपको ये पता है कि उनकी बॉडी कैसी है, उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, तो आपके लिए जो डैमेजिंग टाइप होते हैं इंसेक्ट के, कि वो कौन सी क्रॉप में कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सब आपके लिए याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑर्डर और उसमें जो हमारे पास इंसेक्ट पड़े हैं उनका पता होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या जाएंगे, फर्स्ट इज डिप्टेरा, प्लांट बग एंड व्हाइट फ्लाई हमारे पास आती है डिप्टेरा में, कोलियोप्टेरा, बीटल्स, लेपिडोप्टेरा, मॉथ्स एंड बटरफ्लाईज, ऑर्थोप्टेरा, क्रिकेट, ग्रास हॉपर एंड लोकस्ट। क्या आंसर है? वेरी गुड, सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आंसर इज ए, डिप्टेरा में हमारे पास प्लांट बग और व्हाइट फ्लाई नहीं आते हैं। डिप्टेरा में क्या आती है? हाउस फ्लाईज, ट्रू फ्लाईज, वो हमें डिप्टेरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, अब ऑर्डर्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर आपके पास मेंशन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन क्या लिखा है? नॉट ट्रू मतलब गलत बताना है आपने, रिगार्डिंग द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट, माउथ पार्ट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्या है? बाइटिंग एंड च्यूइंग किसमें देखने को मिलेगा? ग्रास हॉपर में। रास्पिंग एंड सकिंग किसमें आ जाएगा? हाउस फ्लाई में। च्यूइंग एंड लैपिंग किसमें दिया गया है? हनी बी में। और लास्ट अगेन ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स, वेरी गुड, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, योर आंसर विल बी रास्पिंग एंड सकिंग, क्योंकि रास्पिंग एंड सकिंग हमें थ्रिप्स में देखने को मिलता है, उनमें एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई में देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये भी बता दो कि हाउस फ्लाई में कौन से माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। हाउस फ्लाई में हमें स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट देखने को मिलता है, स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग नहीं होता, सिर्फ स्पॉन्जिंग टाइप होता है। च्यूइंग एंड लैपिंग होता है जो कि हमें हनी बी में देखने को मिलता है। ठीक है, च्यूइंग एंड लैपिंग। नेक्स्ट अगेन इनकी भी लिस्ट आपके पास सारी यहाँ पे हमने इंक्लूड करी है, सो दैट यू कैन स्टडी। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है कि इंसेक्ट की बॉडी किस किस पार्ट की बनी है, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए, इनमें बहुत मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन फाइनल स्प्रे एंड हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। टाइम इंटरवल है बिटवीन द फाइनल स्प्रे और द हार्वेस्ट, क्या बोलेंगे इसको? इंक्यूबेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड, टॉक्सिसिटी इंडेक्स एंड टॉक्सिसिटी एफिशिएंसी। व्हाट विल बी द आंसर? द राइट आंसर इज योर वेटिंग पीरियड। आपको जो बीच में इंतजार करना पड़ता है फाइनल स्प्रे और हार्वेस्ट के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? वेटिंग पीरियड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज जुवेनाइल हार्मोन पोस्टपोन्स द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट लार्वे। जुवेनाइल हार्मोन्स जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है उसको रोक देता है। इट इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो कौन सा ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो इसको सीक्रेट करती है? एड्रेनल, न्यूरोसेक्रेटरी, कॉर्पोरा अलाटा और योर प्रो थोरैसिक ग्लैंड। व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, योर आंसर विल बी कॉर्पोरा अलाटा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉर्पोरा अलाटा। जुवेनाइल जो हॉर्मोन्स होते हैं इन्हें हम पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड, और इन्हें हम फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड भी बोलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हमारे पास आएगा those insects have sucking type of mouth part are effectively controlled by। अब बच्चों को लगता है कि ये चीजें याद करनी पड़ती हैं, पर याद नहीं करनी पड़ती। अगर आप इसको समझोगे ना कि sucking type of mouth part किस में होता है और sucking का मतलब क्या है, piercing and sucking से वो कैसे feed करेगा और insecticide कैसे act करता है, तो इसका answer question में ही आपके पास present है। ठीक है, तो इसमें options क्या आ जाते हैं? fumigant, स्टमक इंसेक्टिसाइड, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और फोर्थ है आपके पास सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। तो इसका आंसर हमारे पास आता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स। क्या आएंगे? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स आएंगे। वो पीपीटी में थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, पर इसका आंसर क्या है? सिस्टेमिक। तो जो सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग वाले, उसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड देना है। क्यों? क्योंकि सिस्टेमिक प्लांट के सिस्टम के अंदर जाता है। उसका नाम देखो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का, प्लांट के सिस्टम के अंदर जाएगा, पूरे प्लांट में वो स्प्रेड करेगा और उसके बाद उसके ऊपर इंसेक्ट फीड करके उसकी किलिंग हो जाएगी, क्योंकि इंसेक्ट प्लांट के सैप को सक करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है?
इट इज अ सिस्टम दैट यूटिलाइजेस ऑल सुटेबल टेक्निक्स एंड मेथड्स इन अ कंपैटिबल मैनर एंड मेंटेन्स पेस्ट पॉपुलेशन एट लेवल्स बिलो दोज कॉजिंग इकोनॉमिक इंजरी. क्या क्वेश्चन है? यह एक ऐसी प्रणाली है जो कीट प्रजातियों की जनसंख्या सभी उपयुक्त तकनीकों और तकरीकों का यथासंभव संगत तरीके से उपयोग करती है और कीट आबादी को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले स्तरों से नीचे से बनाए रखती है. क्या बोलेंगे इसे हम? बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट, कल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. सो योर राइट आंसर विल बी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. राइट आंसर इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका भी मैंने यहाँ पे आपके लिए फोटो इंक्लूड कर दी है कि IPM के हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं. कल्चरल, लेजिस्लेटिव, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस. ये सब हमारे पास मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल आ जाएंगे. अगला क्वेश्चन क्या है? विच इंसेक्टिसाइड बिलोंग्स टू दी ऑर्गेनो फॉस्फेट ग्रुप. जब हम IPM पढ़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स पढ़ते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या है, उनमें कौन कौन से हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स आएंगे. क्या आंसर है इसका? एंडोसल्फान, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, कार्बरिल और मोनोक्रोटोफॉस. योर राइट आंसर विल बी मोनोक्रोटोफॉस. मोनोक्रोटोफॉस हमारे पास सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो आपको ग्रुप वाइज भी पेस्टिसाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन से पेस्टिसाइड आएंगे. नेक्स्ट इज, नोजल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. नोजल निम्न में से किस पादप संरक्षण यंत्र से संबंधित है? तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हमें स्प्रे करनी पड़ती है पेस्टिसाइड्स की, हर्बिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की. तो उस स्प्रे के लिए हम डस्टर, नैपसैक, रोटरी डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो नोजल किस किस में प्रेजेंट होगी? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. इन सब में हमें देखने को मिलेगी नोजल, क्योंकि नोजल लगाए बगैर हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे. सो योर नोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? शुगर केन लीफ हॉपर इज कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड. शुगर केन लीफ हॉपर का नाम क्या होता है? पायरेला पर्प्यूसिला. क्या नाम है? पायरेला पर्प्यूसिला. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे? लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड का इस्तेमाल करके. क्या नाम है उस पैरासिटॉइड का? स्पोगोसिया बेजियाना, एफेलिनस माली, एपिरिकेनिया मिलानोल्यूका या फिर स्किमनस न्यूबिलालिस. क्या आंसर है? कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं. वेरी गुड, जिन्होंने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, एपिरिकेनिया मिलानोल्यूका. वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, क्योंकि यही एक पैरासिटॉइड है जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करेगा. अदरवाइज आपके पैरासिटॉइड्स जनरली हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं या फिर डिप्टेरा ऑर्डर को, पर यही एक पैरासिटॉइड है जो हमें लेपिडोप्टेरन ऑर्डर में देखने को मिलता है. लेपिडोप्टेराज में क्या आती है? मॉथ्स, बटरफ्लाइज. ठीक है, चलो नेक्स्ट. जनरली कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इंसेक्टिसाइड्स एक्ट एज. अब जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो बॉडी के अंदर कैसे एक्ट करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी के किस हिस्से को वो नुकसान पहुंचाएंगे? तो कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एज अ नर्व पॉइजन एक्ट करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एक्ट करेंगे, काइटिन पॉइजन या फिर एज अ फिजिकल पॉइजन. योर आंसर विल बी नर्व पॉइजन. नर्व के अंदर जाके वो जो नर्व की हिंडरेंस होती है वहां पे नर्व एक्शन में वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं. सो दे विल बी योर नर्व पॉइजन्स. आपको ये मोड ऑफ एक्शंस भी पता होने चाहिए कि किस तरह के मोड ऑफ एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब सिम्टम्स वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं. जो हमारे पेस्ट होते हैं, पेस्ट की फीडिंग की वजह से कैसे सिम्टम्स हमारे पास प्लांट्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, कुछ मेजर सिम्टम्स मेजर क्रॉप्स में आपको पता होने चाहिए. तो ये क्वेश्चन क्या है? द सिम्टम्स रोजेट फ्लावर एंड डबल सीड फॉर्मेशन अकर्स इन कॉटन क्रॉप. अलोंग विद दिस हैवी शेडिंग ऑफ बॉल्स इज ऑल्सो अ सिम्टम विच इज डिस्प्लेड. तो किस कीट के कारण कपास की फसल में रोजेट फ्लावर और डबल सीड फॉर्मेशन उत्पन्न होते हैं, इसके साथ ही बीज कोशों का अधिक मात्रा में झड़ना भी देखा जाता है? क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, कॉटन व्हाइट फ्लाई और कॉटन जैसेट.
अब देखो व्हाइट फ्लाई और जैसेट तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इनका तो फीडिंग का तरीका ही अलग है, ये तो पियर्स करके सक करेंगे, ठीक है, हेमिप्टेरा ऑर्डर में आएंगे, दोनों ने पियर्सिंग और सकिंग से फीड करना है। अब अंदर बॉल के अंदर जाके जो फीड करेंगे या फिर हमारे फ्लावर के अंदर जो फीड करेंगे वो स्पॉटेड या पिंक में से हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप तुक्का इन दोनों में से किसी एक पर लगा सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि इसका आंसर पिंक बॉल वॉर्म है, ठीक है, जिसे हम गुलाबी सुंडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ये न्यू टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो हमें पता होना चाहिए ये किस चीज से रिलेटेड है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू प्लांट क्वारंटीन, पेस्ट मैनेजमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द पेस्ट और ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, पर बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जिन्होंने पेस्ट मैनेजमेंट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, डी इसका सही जवाब नहीं है, क्वारंटीन और मॉर्फोलॉजी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अब देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान होता है, हमारे ध्यान से ना पढ़ने की वजह से हम उसमें सिली मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ थिन ब्लाइंडली एंडिंग ट्यूब्यूल्स Originating near the junction of mid gut and hind gut। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं। Involved in the regulation of salt, water and nitrogenous waste excretion। तो ये कौन सा organ है जो ऐसे काम करता है और जिसकी positioning ऐसा हमें देखने को मिलती है? Very good, बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। Rectum, flagellate, malpighian tubules और filter chamber। तो malpighian tubules आपके पास सही होगा। रेक्टम का काम एक्सक्रीटा को बाहर निकालना है, फ्लैजेला मोशन में हेल्प करते हैं, फिल्टर चैम्बर हमें स्टमक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो थिन ब्लाइंडली एंडिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। किसने डिस्कवर करी है? मैलो मालफिजी ने करी थी, और कब करी थी? 1669 में करी है, सिल्क वॉर्म के लार्वा में, जो सिल्क वॉर्म का लार्वा था उसमें इनको डिस्कवर किया गया था, और एक्सक्रीशन में दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ध्यान देखो, मिड गट और हाइंड गट के जॉइंट पर आपके पास ये ट्यूब्यूल है, मालफिजियन ट्यूब्यूल, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। ये सारा मटेरियल आपके लिए है सो दैट यू कैन स्टडी लेटर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट्स इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स With a view to prevent risk to human beings or animals। तो कौन सा एक्ट है जो इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, हिंदी में भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मनुष्यों या जानवरों के लिए जोखिम को रोकने और उससे जुड़े मामलों की दृष्टि से कीटनाशकों के आयात, निर्माण, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है? तो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1914, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1916, इंसेक्टिसाइड रूल 1971 और दीपा एक्ट 1914। क्या है इसका सही आंसर? वेरी गुड, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है, ये एक्ट आया था 1968 में, इसका ही सारा काम है हमारा इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फ्लेयर स्क्वेयर। फ्लेयर स्क्वेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच इंसेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन भी है, कोई स्पेशल इसमें नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? पेक्टिनोफोरा गॉसिपियला, एरिया स्विटेला, साइलेप्टा डेरिगेटा एंड अमरास्का बिग्यूटुला। अब यहां से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको इसका कॉमन नेम पता है और साइंटिफिक नेम नहीं पता तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक नेम्स भी पता होने चाहिए, बी ऑप्शन आपके पास आ जाता है एरिया स्विटेला, जो कि हमारे पास क्या है? स्पॉटेड बॉल वॉर्म। उसमें हमें मेन सिम्टम क्या देखने को मिलता है? फ्लेयर स्क्वेयर। याद रखना है पिंक बॉल वॉर्म में है डबल सीड फॉर्मेशन, पिंक बॉल वॉर्म डबल सीड फॉर्मेशन, फ्लेयर स्क्वेयर इन योर स्पॉटेड बॉल वॉर्म विच इज एरियास विटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज हॉरिजॉन्टल इन लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। किस चीज की बात हो रही है? इंसेक्ट के हेड की बात हो रही है, हेड की ओरिएंटेशन की बात हो रही है कि हेड की डायरेक्शन कहां है। उसी के रिलेशनशिप में माउथ पार्ट्स की भी बात होगी। माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और माउथ पार्ट भी कहां है? फॉरवर्ड है।
तो हेड भी फॉरवर्ड है, माउथ पार्ट भी फॉरवर्ड है, ऐसी कौन सी हेड ओरिएंटेशन है? एग्जाम्पल क्या है? ग्राउंड बीटल्स, बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। उदाहरण क्या आ जाएंगे? हाइपोगनाथस, प्रोगनाथस, ओपिस्थोगनाथस और एपिस्टोमल। योर राइट आंसर विल बी प्रोगनाथस। राइट क्या होता है? प्रोगनाथस। हाइपो में क्या होता है? हेड की डायरेक्शन भी वर्टिकल और माउथ पार्ट भी बोथ वर्टिकल होंगे, प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड। ओपिस्थोगनाथस में हेड आपका हॉरिजॉन्टल होता है, माउथ पार्ट आपके बैकवर्ड जाते हैं या फिर प्रोजेक्टिंग ऑब्लिकली और पोस्टीरियरली हमें देखने को मिलते हैं। तो हेड ओरिएंटेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्ट्स ऑफ हेड भी आपके लिए यहां पर मेंशन है, साथ ही साथ हेड की ओरिएंटेशन भी आपके लिए मेंशन है, आप यहां से देख सकते हैं, इनफैक्ट डायग्राम्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द अमाउंट ऑफ अ मटीरियल गिवन ऑल एट वंस एज एन ओरल डोज विच कॉजेज डेथ ऑफ 50% ऑफ अ ग्रुप ऑफ टेस्ट एनिमल्स। यह एक सामग्री की वह मात्रा है जो एक साथ मौखिक खुराक दी जाती है जो परीक्षण जानवरों के समूह के 50% या आधी पॉपुलेशन की मृत्यु का कारण बनती है। क्या आंसर है इसका? कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। इसका आंसर आपके पास आ जाता है ए, जो कि है LD50, लीथल डोज 50 हमारे पास आएगी। ठीक है, लीथल डोज 50, और इसको हम वेरी टॉक्सिक कंसिडर करते हैं। ये टॉक्सिक होती है क्योंकि 50% पॉपुलेशन को ये एक ही बार में मार सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ पेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डैमेज बाउंड्री क्या है, ETL क्या है, EIL क्या है, और टाइप्स ऑफ पेस्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसमें से जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। विच टाइप ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, ध्यान से पढ़ना है, इज यूजुअली नेग्लिजिबल बट इन अ सर्टेन ईयर अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे अपियर एज एपिडेमिक क्रॉसिंग मेनी टाइम्स ओवर EIL एंड DB। एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, किस प्रकार के कीड़ों की आबादी आम तौर पर नगण्य होती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होगी, लेकिन अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में कुछ वर्ष में वे महामारी के रूप में सामने आते हैं और EIL और डैमेज बाउंड्री को कई बार पार करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, योर राइट आंसर इज स्पोराडिक पेस्ट, जिसमें हमारे पास लोकस्ट आ जाते हैं। वो सब क्या है? स्पोराडिक पेस्ट में आते हैं। हर साल हमें उनका अटैक देखने को नहीं मिलेगा, पर 3-4 साल बाद एकदम से उनका बहुत बड़ा अटैक हमें देखने को मिलता है। वो क्या है? स्पोराडिक पेस्ट। पेस्ट याद करने के लिए हमेशा इस ग्राफ को आपने याद रखना है। सबसे पहले आप इसमें डैमेज बाउंड्री सबसे नीचे मार्क कर लेंगे, उसके बाद आप मार्क कर लेते हैं ETL, और उसके बाद आप मार्क कर लेते हैं EIL। यहां पर क्या बोला गया है कि वो कभी कभी आपके पास EIL को क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन हमेशा डैमेज बाउंड्री से नीचे है, पर कभी कभी उनकी पॉपुलेशन EIL क्रॉस करेगी और फिर नीचे आएगी। हर पेस्ट के लिए, चाहे वो की पेस्ट है, रेगुलर पेस्ट है, सबके लिए हम इस तरह से ग्राफ बना के याद रख सकते हैं। तो इस ग्राफ को हमेशा आपने याद रखना है कि सबसे नीचे डैमेज बाउंड्री आती है, उसके ऊपर ETL आता है, और उसके ऊपर EIL आएगा, और यहां पर आप पेस्ट की पॉपुलेशन को देख सकते हैं किस तरह से पेस्ट की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या फिर कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अब एपिकल्चर, सेरिकल्चर और लैक कल्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हनी बी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया इन प्लेन्स एज वेल एज हिल्स अप टू 1600 मीटर अबव द मीन सी लेवल। आर बिगेस्ट हनी बीज, सबसे बड़ी हनी बीज है इंडिया में। एवरेज हनी यील्ड इज 40 kg पर कॉलोनी पर ईयर। कौन सी हनी बीज है ये? एपिस सेराना, मेलिफेरा, फ्लोरिया और डॉर्सेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। योर आंसर इज एपिस डॉर्सेटा, जिसे हम रॉक बी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? रॉक बी। तो ये हमारे पास बिगेस्ट बी होती है, और एपिस मेलिफेरा को हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। एपिस मेलिफेरा इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? 1962 में। कहां करी गई थी? हिमाचल प्रदेश में करी गई थी। कहां करी गई थी? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं।
The imperfect females which are unable to mate, though they may start egg laying if a colony remains queenless for a long period are. वो imperfect females एक hive में जो कि mating नहीं कर सकती पर egg laying कर सकती है अगर हमारी queen, अगर हमारी colony में queen ना रहे लंबे समय के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे? Drone, worker, queen या फिर egg? Your right answer is वर्कर. जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो हमारे पास इसमें का आंसर आ जाएंगे. आपके लिए यहाँ पे टेबल इंक्लूड किया गया है. जो एग देती है हमारी क्वीन उससे कौन से एग से हमें क्या देखने को मिलेगा, अगेन आपके लिए इट इज इंक्लूडेड. तो आपको ये पता होना चाहिए. व्हाट इज द इंसेक्ट ऑडिटरी सेंस स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट्स साउंड? इंसेक्ट में सुनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? एनालॉगस टू द ह्यूमन ईयर. एनालॉगस का मतलब जैसे हमारे कान है वैसा कौन सा स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के पास? लेग, एंटीना, कायरोमोन और टिम्पैनम. योर राइट आंसर विल बी टिम्पैनम. टिम्पैनम इज द राइट आंसर जो हमें सुनने में हेल्प करेगी इंसेक्ट को. ठीक है, एंटीना में भी हमारे पास जॉनस्टन ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास एक ऑडिटरी ऑर्गन है, पर मेन हमारे पास क्या जाएगा? टिम्पैनम. नेक्स्ट इज अ टर्म रिलेटेड टू. ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अ टर्म रिलेटेड टू व्हेन द डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट एक्सीड्स. एक्सीड का मतलब क्या है? बढ़ जाएगा. एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल मेजर्स इज. जब कीट से होने वाली क्षति आर्थिक नियंत्रण उपायों की लागत से अधिक हो जाती है उससे संबंधित शब्द क्या है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, डैमेज बाउंड्री या फिर एक्शन थ्रेशहोल्ड. क्या आंसर है? देखो, अब कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, पर इसका सही आंसर है ए, इकोनॉमिक इंजरी लेवल. इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तब आपकी मैनेजमेंट का पैसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं होगा. इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल पर तो हम उसे मैनेज करना शुरू करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक अगर हम जाने देंगे तब जब आप पेस्ट को कंट्रोल करने लगेंगे तो वो आपसे, आपके हाथ से बाहर बात जा चुकी है. अब उसको कंट्रोल करने का पैसा आपका ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. ये इसमें स्टेटमेंट कंफ्यूज की जा सकती है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस वुड प्रोबेबली बी. तो ह्यूमन डिजीज को ट्रांसमिट करने वाले वेक्टर्स कौन से होंगे? मॉथ, एंट, बीटल्स और फ्लीज. क्या आंसर है इसमें हमारे पास? बताओ फटाफट. योर आंसर विल बी फ्लीज. जो फ्लीज होते हैं, पिस्सू होते हैं, वो ह्यूमन वेक्टर के तौर पर काम करेंगे. किसके तौर पर? ह्यूमन वेक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडिफाइड हाइंड विंग इन फ्लाइज यूज्ड फॉर बैलेंस आर कॉल्ड. फ्लाइज में जो हमारा हाइंड विंग मॉडिफाइड होता है हमने देखा था, क्या बोलते हैं उसको? इलाइट्रा, हॉल्टर, हैमुलाई और टेगमीना. आप टेगमीना कैसे बोल सकते हैं? क्वेश्चन देखो, फ्लाइज किसकी बात हो रही है? हाइंड विंग की. फ्लाई में क्या आता है? हाउस फ्लाई आएगी, सिरफिड आएगी. क्या ऑर्डर है? डिप्टेरा. डिप्टेरा ऑर्डर का मतलब क्या है? इसका आंसर आएगा आपके पास हॉल्टेयर्स. हॉल्टेयर्स आपके पास होते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. उनका नॉर्मल पंख होता है, नॉर्मल पंख के पीछे आपके पास इस तरह के नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं. योर राइट आंसर इज हॉल्टर्स. नेक्स्ट, इनका टेबल आगे इंक्लूड किया हुआ है मॉडिफिकेशन में, वहां से आप इनको प्लीज याद करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये. एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट इंसेक्ट इज द यूज ऑफ. अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? हर्बिसाइड, वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजीज, पेस्टिसाइड्स और योर सेक्स हॉर्मोन्स. देखो, हर्बिसाइड तो केमिकल कंट्रोल है, वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजीज में तो हमारे पास लोग आ जाएंगे और पेस्टिसाइड अगेन हमारे पास केमिकल्स हैं. तो क्या आंसर हमारे पास बच जाता है? सेक्स हॉर्मोन्स विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, व्हाट कंट्रोल स्ट्रेटजी इज लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. नॉन टारगेट का मतलब जिनकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है. किस नियंत्रण रणनीति का गैर लक्षित जीवों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है? केमिकल कंच,
ठीक है, केमिकल कंट्रोल, कल्चरल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो केमिकल में पेस्टिसाइड्स हैं, कल्चरल में कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। क्या आंसर होगा? योर राइट आंसर इज दी केमिकल कंट्रोल। क्योंकि हम जब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बीज हैं, पैरासिटॉइड्स हैं, उन सबको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच इंसेक्ट ऑर्डर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू डिप्टेरा। डिप्टेरा से संबंधित कौन सा इसमें से ऑर्डर है जो बिल्कुल क्लोज होगा? ऑर्थोप्टेरा, प्लेकोप्टेरा, थाइजेन्यूरा या फिर हाइमेनोप्टेरा। थाइजेन्यूरा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो पहले ही एटेरिगोट है। ऑर्थोप्टेरा और डिप्टेरा में तो बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है। सो योर आंसर विल बी हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा में हमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, एंड इनफैक्ट हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा दोनों से हमें पैरासिटॉइड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, रोटेशंस एंड रेवोल्यूशंस ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द एग ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड एज। कीड़ों के अंडे के भीतर भ्रूण के सभी विस्थापन, घूर्णन और परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुलेशन, मॉर्यूला, ब्लास्टोकाइनेंसिस और एक्लोजन। योर राइट आंसर विल बी ब्लास्टोकाइनेंसिस। राइट आंसर क्या आएगा? ब्लास्टोकाइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी केमिकल यूज्ड टू रिपेल द प्रेडेटर्स वुड ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज। जो हमारे परिभक्षी हैं, परिभक्षियों को पीछे हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो रसायन है उसे हमेशा क्या कहा जाएगा? फेरोमोन, हॉर्मोन, कायरोमोन और योर एलोमोन। वेरी गुड, योर राइट आंसर इज योर कायरोमोन। उन्हें हम क्या कहते हैं? कायरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ द केमिकल इंसेक्टिसाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल परसिस्टेंस। ऐसे रासायनिक कीटनाशक कौन से वर्ग में पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि उच्च स्तर की पर्यावरणीय दृढ़ता है? कार्बामेट्स, सिंथेटिक पैरिथ्रॉइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एनवायरमेंटल परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम उन्हें स्प्रे करते हैं तो वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो सबसे ज्यादा देर तक एनवायरमेंट में रहेगा? क्या आंसर आएगा हमारे पास इसका? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक फॉस्फेट, सिंथेटिक पैरिथ्रॉइड्स और कार्बामेट्स ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा देर तक परसिस्ट नहीं करते, पर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा देर तक रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें से गलत वाला आपने चूज करना है। सिल्कवॉर्म, सेरिकल्चर, बीज, एपिकल्चर, अर्थवॉर्म, वर्मी कल्चर एंड मस्किटो, एक्वा कल्चर। कुछ बच्चे बी ऑप्शन भी कह रहे हैं, बी कैसे हो सकता है ऑप्शन? डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, मस्किटो एक्वा कल्चर। मस्किटो में एक्वा कल्चर नहीं आएगा, बाकी सब हमारे पास सही है। लैक इंसेक्ट लिखा होगा तो उसका आंसर क्या आ जाता है? लैक कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन इंडिया द बीटी कॉटन वॉज रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन द ईयर। कौन से ईयर में बीटी कॉटन को रिलीज किया गया था इंडिया में, बताओ? 2000, 2005, 2002 और 2008। फटाफट रिप्लाई करके बताइए। योर राइट आंसर विल बी 2002। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2002। नेक्स्ट क्या है? अबाउट हनी बीज एंड बी कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है? स्वॉर्मिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, अनफर्टिलाइज्ड एग बिकम वर्कर बी, वैक्स मॉथ अटैक इन द लार्वल स्टेज एंड नॉट अडल्ट स्टेज, क्वीन वर्कर्स एंड ड्रोन्स आर डिफरेंट। योर राइट आंसर विल बी अनफर्टिलाइज्ड एग बिकम द वर्कर बीज। क्योंकि जो वर्कर बीज बनते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग ही होंगे, सिर्फ फीडिंग का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास क्या बनते हैं? ड्रोन्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी जो कि मेल्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ट्रैप इज यूज टू ट्रैप्स द मेल इन आईपीएम। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर जो फिजिकल मेथड है, कल्चरल है, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है, सबके एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ सकता है। फेरोमोन, केज, लाइट और ग्लू ट्रैप्स। योर राइट आंसर विल बी फेरोमोन ट्रैप। क्या आ जाएगा सही आंसर? फेरोमोन ट्रैप।
ट्रैप. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय. वेरी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, एफिड है या हॉपर है. क्या आंसर है इसका, योर राइट आंसर विल बी व्हाइट फ्लाई. थ्रिप्स बहुत सारा हमेशा बच्चों को लगता रहता है कि शायद इसका आंसर थ्रिप्स होगा, पर नहीं, लीफ कर्ल ऑफ चिली को ट्रांसमिट कौन करती है, व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करेगी. व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेमिसिया टेबासी. साइंटिफिक नेम क्या है, बेमिसिया टेबासी. नेक्स्ट क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास, एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ हॉपर और योर थ्रिप्स. योर राइट आंसर इज योर लीफ हॉपर. बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड, योर राइट आंसर इज योर लीफ हॉपर. ठीक है, अब वेक्टर्स वाले क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटो में जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपने इस चीज का हमेशा याद रखना है. अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वेक्टर्स वाला टॉपिक भी अच्छे से कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि वेक्टर होने के लिए पहली बात तो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वही जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं हेमिप्टेरा के ऑर्डर वाले, वही प्लांट में से सैप सक करते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ. ठीक है, तो इसीलिए वेक्टर्स आपके जनरली हेमिप्टेरा ऑर्डर को ही बिलोंग करेंगे या फिर उसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के माउथ पार्ट्स हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. सो योर आंसर इज योर लीफ हॉपर. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ओलिगोफेगस पेस्ट. अब ये जो टाइप्स ऑफ पेस्ट होती हैं, मोनोफेगस, पॉलीफेगस, ओलिगोफेगस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. कौन होता है ओलिगोफेगस पेस्ट, जो एक फैमिली में जितनी भी क्रॉप्स आती हैं उन सब के ऊपर फीड करता है. मोनोफेगस जो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्रॉप पर फीड करेगा. तो क्या है हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है, ब्रिंजल फ्रूट बोरर, बिहार हेरी कैटरपिलर, कैबेज बटरफ्लाई. योर राइट आंसर विल बी कैबेज बटरफ्लाई. क्या आंसर है इसमें, कैबेज बटरफ्लाई हमारे पास राइट आंसर आता है ओलिगोफेगस पेस्ट में. बिहार हेरी कैटरपिलर की बात करते हैं तो वो हमारे पास पॉलीफेगस पेस्ट है, वो किसी भी क्रॉप के ऊपर फीड कर सकता है. ब्रिंजल फ्रूट बोरर की बात करते हैं तो ये हमारे पास मोनोफेगस पेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिंजल में ही हमें देखने को मिलेगा. तो इनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम्पल से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. अगेन ये आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड करें हैं फॉर यू टू रिमेम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर ऑफन फॉर्मुलेटेड एज बेट्स विद पीनट बटर और मोलासेस प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ रोडेंट इन्फेस्टेशंस. इन्हें अक्सर बटर या गुड़ जैसी आकर्षक पदार्थों के साथ चारे के रूप में तैयार किया जाता है जो कृतंक संक्रमण पर अल्पकाल्पिक नियंत्रण प्रदान करते हैं. तो बेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी इंसेक्ट को झांसे में फंसा लेना, उसे मीठा दिखाकर उसे जहर खिला देना. तो इसमें क्या एग्जांपल है, कैल्शियम आर्सेनेट, डेल्टा मेथ्रिन, साइपर मेथ्रिन और योर जिंक फॉस्फाइड. व्हाट विल बी द राइट आंसर, जिंक फॉस्फाइड हमारे पास इसका राइट आंसर हमें इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, राइट आंसर क्या है, जिंक फॉस्फाइड. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ टाइप ऑफ माउथ पार्ट. अब ध्यान से देखो, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी कि किस तरह से आपको माउथ पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है. अ टाइप ऑफ माउथ पार्ट इन इंसेक्ट्स वेयर टंग इज एक्चुअली अ ट्यूब. तो टंग क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन. प्रोबोसिस की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, किसमें देखने को मिलता है, बग्स में, मस्किटोज में, बटरफ्लाईज में और हनी बीज में. वेरी गुड, द राइट आंसर इज योर बटरफ्लाईज. बटरफ्लाईज विल बी द राइट आंसर, जिसमें हमें साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द इंसेक्ट लेग्स विच आर वेल अडेप्टेड फॉर डिगिंग आर कॉल्ड एज. इंसेक्ट की लेग्स जिन्हें डिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिगिंग का मतलब खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी लेग्स हैं, कर्सोरियल लेग्स, फोसोरियल लेग्स, कैंसोरियल लेग्स और योर नाटाटोरियल लेग्स. योर राइट आंसर विल बी वेरी गुड, कौन सी आ जाती हैं, फोसोरियल लेग्स आती हैं. फोसोरियल को याद करने के लिए आप याद रखेंगे फॉसिल. फॉसिल कहाँ होता है, जमीन के अंदर, बिलो द सॉयल हमें फॉसिल देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हमें खोद के निकालना पड़ता है. तो हमारी फोसोरियल लेग्स का फंक्शन क्या होगा, डिगिंग लेग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज बी कीपिंग कर पा रहे हैं इसकी वजह से कर पा रहे हैं. द प्रिंसिपल ऑफ बी स्पेस फॉर मेकिंग सक्सेसफुल बी हाइव्स वॉज डिस्कवर्ड बाय. बी स्पेस क्या है जो हमारे पास हाइव्स बनाती हैं, जो कॉम्ब्स बनाती हैं हनी बीज, उनके बीच में वो कितना गैप रखती हैं. जब तक हमें उस गैप के बारे में नहीं पता था तब तक हम हाइव्स नहीं बना पाते थे. क्या ऑप्शंस हैं? चार्ल्स डेडांट, फिर आएगा एल एल लैंगस्ट्रॉथ, कार्ल वॉन फ्रिश एंड ए एस अटवाल. योर राइट आंसर इज एल एल लैंगस्ट्रॉथ. याद रखना है आपने कि बी स्पेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है. एल एल लैंगस्ट्रॉथ ने दिया है बी स्पेस का कॉन्सेप्ट. कार्ल वॉन फ्रिश ने क्या दिया है? बी डांस का कॉन्सेप्ट दिया है. जो कि हमारे पास दो तरह के डांस आते हैं, राउंड डांस और वैग टेल डांस. कौन कौन से आएंगे? राउंड और वैग टेल डांस. और कार्ल वॉन फ्रिश को उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. कब मिला था? 1973 में. डिस्कवरी इन्होंने बहुत पहले कर दी थी उसकी, पर इनको नोबेल प्राइज 1973 में ही मिला है उसके लिए. तो आपने याद रखना है इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में, ये एपिकल्चर से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्या आएगा? अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स हनी बी लार्वे. द लार्वे डाई इन द कॉइल्ड स्टेज. कॉइल्ड मतलब जो उनकी सी वाली स्टेज है वो उसी कॉइल्ड स्टेज में ही मर जाएंगे. कॉजिंग फाउल स्मेल इज कॉज्ड बाय. किसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा? नोजेमा एपिस, मोरेटर एटाट्यूलस, एस्कोस्फेरा एपिस एंड मेलिसोकोकस प्लूटोन. योर राइट आंसर इज, सिर्फ थोड़े से बच्चों ने ही इसका जवाब दिया है, लगता है बच्चों ने भी डिजीजेस पढ़े नहीं है, मेलिसोकोकस प्लूटोनिस हमारे पास इसका सही जवाब आ जाएगा. ठीक है, अब यहां पर आपके पास डिजीजेस ऑफ हनीबी का भी टेबल इंक्लूड किया गया है ताकि आप उसे देख सके. अ पैरासिटिक डिजीज वेयर माइट्स पियर्स द ट्रैकियल वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फीड ऑन बीज हीमोलिम्फ. एक ऐसा पैरासाइटिक डिजीज जहां पर जो आपकी माइट है ट्रैकियल वॉल. ट्रैकिया क्या होता है? जो रेस्पिरेशन के लिए वॉल होती है. ट्रैकियल वॉल को पियर्स करके चीर के अंदर चले जाएंगे एंड फीड ऑन बीज हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ क्या होता है? ब्लड. इट इज ऑल्सो नोन एज आइल ऑफ वाइट डिजीज. क्या नाम है इस डिजीज का बताओ? एकेरीन डिजीज. योर राइट आंसर विल बी एकेरीन. वेरी गुड, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. एकेरीन डिजीज है ये, और इसे हम आइल ऑफ वाइट भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले आइल ऑफ वाइट जो आइलैंड था वहां पर हमें देखने को मिला था, वहीं से हमारे पास इसका नाम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है. अब यहां पर मैंने आपके पास सारा टेबल की फॉर्म में इंक्लूड किया है, डिजीज भी, कॉजल ऑर्गेनिज्म भी, इंफेक्शन कहाँ कॉज करेंगे और कौन सी स्टेज में इंफेक्शन कॉज करेंगे. ऑल दिस मटीरियल इज फॉर यू ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द निम्स एंड अडल्ट्स सक सैप वीकनिंग द शुगर केन प्लांट्स. A white mealy coating on the wax covered plants can also be seen. तो white mealy coating से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, mealy bugs की बात हो रही है. ठीक है, कौन सी क्रॉप में हमें देखने को मिल रहा है? शुगर केन में. तो इसका मतलब शुगर केन मीली बग की बात हो रही है. तो क्या आपको शुगर केन मीली बग का नाम पता है? स्कॉपोफेगा निवेला, पायरिला पॉप्यूसिला, एसिगोना स्टिनेला या फिर सेकेरी कोकस सेकेरी. राइट आंसर क्या होगा? सेकेरी कोकस सेकेरी. स्कॉपोफेगा निवेला क्या होता है? टॉप बोरर ऑफ शुगर केन. पायरिला पॉप्यूसिला क्या है? लीफ हॉपर. एसिगोना स्टिनेला क्या है? गुरदासपुर बोरर. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको पेस्ट के साइंटिफिक नेम पता है तभी आप क्वेश्चंस को इस तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आपको इस तरह साइंटिफिक नेम्स आ जाएं. नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज पेपर डिजीज. पेपर डिजीज कहा जाएगा. अ कॉन्टेजियस डिजीज दैट अफेक्ट सिल्क वॉर्म्स. ठीक है, सिल्क वॉर्म्स में देखने को मिलेगा. द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द एग्स एंड इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो पैरासाइट है ये जिस लार्वा के अंदर अटैक करेगी उसके एग्स को भी इन्फेक्ट कर देगी और अगली जनरेशन को भी अफेक्ट कर देगी. इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं ट्रांस ओवेरियल एमिशन. क्या बोलते हैं? ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन. कौन सा डिजीज है हमारे पास ये? एग्जाम्पल क्या है? ग्रासरी, फ्लैचरी, मस्किडीन और पेब्रीन. योर राइट आंसर इज पेब्रीन डिजीज. क्या आ जाएगा? पेब्रीन. पेपर भी बोलते हैं, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी डिजीज ट्रांसफर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जीईपी जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द पेस्ट लाइज वेल अबव द डैमेज बाउंड्री एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल.
इट इज कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ पेस्ट. क्या कहा था मैंने, टेबल बना लो. क्या बोला इन्होंने, डैमेज बाउंड्री है, ETL है और है EIL. तो इन्होंने बोला कि द GEP ऑफ द पेस्ट, पेस्ट की पॉपुलेशन लाइज वेल अबव द डैमेज बाउंड्री, डैमेज बाउंड्री से ऊपर है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से भी ऊपर है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से भी ऊपर है. कौन सा पेस्ट है, मेजर, स्पोराडिक, पोटेंशियल और की पेस्ट. योर राइट आंसर इज की पेस्ट. की पेस्ट की पॉपुलेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि EIL को भी क्रॉस करती है. ठीक है, इस तरह से आप टेबल से जब इस चीज को पढ़ेंगे बहुत आसान हो जाएगी आपको समझनी और आपको याद भी करनी, और कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. एक टेबल आपको पता होना चाहिए, आप सारा अपने आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे. नेक्स्ट इज द प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्ट द आर्थ्रोपोड्स बिहेवियर इज कॉल्ड एज. पौधे के रूपात्मक या रासायनिक कारक आर्थ्रोपोड के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है. नॉन प्रेफरेंस, एंटीजेनोसिस, एंटीबायोसिस या फिर टॉलरेंस. क्या आंसर आ जाएगा इसके पास, एंटीजेनोसिस इसका आंसर आता है. ये सारे मेथड्स हमारे पास हैं HPR के. HPR क्या होता है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस. क्या होता है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मतलब है जिस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट फीड करने जाएगा उस प्लांट के अंदर नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जो इंसेक्ट को उसके ऊपर फीड नहीं करने देती, जिसमें हमारे पास एंटीजेनोसिस, नॉन प्रेफरेंस, एंटीबायोसिस और टॉलरेंस तीनों टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, एंटीबायोसिस में क्या होगा, जो आपका इंसेक्ट होगा वो प्लांट के ऊपर फीड तो करेगा लेकिन उसको खाने के बाद वो कमजोर हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली मर जाएगा. टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपका प्लांट जो होगा, आपकी वैरायटी होगी, टॉलरेंट होगी, इंसेक्ट उस पर फीड करेगा लेकिन प्लांट की यील्ड पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को नहीं पड़ता. एंटीजेनोसिस और नॉन प्रेफरेंस में क्या होगा, इंसेक्ट प्लांट के ऊपर फीड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लांट में या तो कांटे प्रेजेंट होंगे या कुछ इस तरह के केमिकल प्रेजेंट होंगे जो इंसेक्ट को फीड उस पे नहीं करने देंगे. फादर ऑफ HPR आपको पता होना चाहिए. फादर ऑफ HPR हमारे पास आते हैं RH पेंटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, ये HPR का यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा, आप यहां से इसको देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, अ सीरियस मोनोफेगस पेस्ट ऑफ मैंगो ट्रीज विच सक्स द सैप एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ पैनिकल्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दे प्रोड्यूस हनी ड्यू ऑल्सो इज. क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट बताइए. एम्ब्रिटोडस एटकिनसोनी, बैक्ट्रोसेरा डॉर्सैलिस, बैक्ट्रोसेरा रूफोमैक्यूलाटा, ड्रोसिचा मैंगीफेरे. अब जिनको साइंटिफिक नेम्स पता होंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे. पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मोनोफेगस पेस्ट ऑफ मैंगो क्या है, व्हाट इज द आंसर बताओ. कुछ बच्चों ने इसका डी जवाब दिया है, पर आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं. सक द सैप, प्लांट की सैप को सक करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ पैनिकल्स, और हनी ड्यू भी सीक्रेट करेंगे. इसका आंसर आएगा एम्ब्रिटोडस एटकिनसोनी, बिकॉज ये क्या है, इट इज मैंगो हॉपर. इट इज मैंगो हॉपर. देखो, जब भी आप पेस्ट को याद करते हो ना, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो हॉपर्स हैं उनका फीडिंग का मैकेनिज्म क्या है. हेमिप्टेरा ऑर्डर वाले इंसेक्ट कैसे फीड करते हैं, लेपिडोप्टेरा वाले कैसे फीड करते हैं, कोलियोप्टेरा वाले कैसे फीड करते हैं. अगर आपको वो चीज पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएंगे, तभी आपको वो चीजें पता चलती हैं. इसीलिए माउथ पार्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है, उससे आगे वाली चीजें जो डैमेजिंग सिम्टम्स हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए. मैं ये नहीं बोलती कि आपको पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ आएगा, आप उससे रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर भी सकिंग द सैप से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास बैक्ट्रोसेरा डॉर्सालिस नहीं आएगा, रूफोमैक्यूलाटा भी नहीं आएगा, ये तो फ्रूट के अंदर जाके फीड करेंगे. ड्रोसिचा मैंगीफेरा भी आपका फ्रूट के अंदर जाके ही फीड करेगा. तो सैप सक करने वाले कौन है, सिर्फ हॉपर है, और हॉपर का नाम क्या है, एम्ब्रिडोटस एटकिनसोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेशली हैच्ड कैटरपिलर्स रिजेंबल बर्ड्स ड्रॉप. जो हमारी बर्ड की शिट होती है, बर्ड की ड्रॉप होती है, उसकी तरह आपके फ्रेशली हैच्ड कैटरपिलर्स दिखते हैं.
एंड द यंग लार्वे फीड वोरेशियसली ऑन द लीफ लैमिना फ्रॉम द मार्जिन टू मिडरिब. जो यंग लार्वा होगा वो लीफ लैमिना को खाएगा मार्जिन से लेके मिडरिब तक बीच में. द ग्रोन अप लार्वा फीड्स ऑन द मैच्योर्ड लीव्स एंड कॉजेस सीवियर डिफोलिएशन ऑफ द एंटायर प्लांट. अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन सिम्टम पता है ना तो आप आगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है. क्या आंसर है? ड्यूडोरिक्स, स्केलोडोंटा, रिपीफोरोथ्रिप्स और पेपिलियो डिमोलियस. देखो बच्चों को साइंटिफिक नेम्स नहीं पता है, जिन बच्चों को पता है उन्होंने सही जवाब दिया है. योर राइट आंसर विल बी पेपिलियो डिमोलियस, जिसे कि हम सिट्रस बटरफ्लाई भी बोलते हैं. पेपिलियो डिमोलियस हमारे पास सही नाम आएगा. ड्यूडोरिक्स किसका नाम है? ड्यूडोरिक्स है हमारे पास अनार बटरफ्लाई. ड्यूडोरिक्स क्या है? अनार बटरफ्लाई है. स्केलोडोंटा स्ट्रिगिकोलिस हमारे पास ग्रेप का पेस्ट है. रिपीफोरोथ्रिप्स भी हमारे पास ग्रेप के थ्रिप्स हैं. ये दोनों हमारे पास ग्रेप फ्ली बीटल और ग्रेप थ्रिप्स हैं. और पेपिलियो डिमोलियस हमारे पास आएगा सिट्रस बटरफ्लाई. तो साइंटिफिक नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये. द लार्वा माइंस इनटू द टेंडर लीव्स एंड फॉर्म्स सिल्वरी व्हाइट ज़िगज़ैग गैलरीज व्हाइल फीडिंग ऑन द एपिडर्मल सेल्स लीविंग बिहाइंड द रिमेनिंग लीफ टिश्यूज इंटैक्ट. हिंदी में भी पढ़ लीजिए. लार्वा कोमल पत्तियों में घुस जाता है और एपिडर्मल कोशिकाओं को खाते हुए चांदी जैसे सफेद ज़िगज़ैग गैलरीज बनाता है और शेष पत्ती के ऊतकों को छोड़ देता है. तो जो आपकी लीफ होगी, लीफ में इस तरह की ज़िगज़ैग गैलरीज आपको देखने को मिलती हैं. ना लीफ के ऊपर डैमेज होगा, ना लीफ के नीचे डैमेज होगा, लीफ के बीच में डैमेज होगा. माइन का मतलब क्या होता है? बीच में से पत्ती को खा जाना. ऊपर भी लेयर रहेगी, नीचे भी वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहेगी. क्या इसका आंसर है? फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, पेपिलियो पॉलिटिस, बेमिसिया टेबेसी और एरियोसोमा लेनी जेरम. वेरी गुड, बच्चों ने सही जवाब दिया है फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला. फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला क्या है? सिट्रस लीफ माइनर. लीफ माइनर का अटैक आपको इस तरह देखने को मिलेगा, चाहे ये टमाटो में प्रेजेंट हो, चाहे ये सिट्रस में प्रेजेंट हो, चाहे ये पी में प्रेजेंट हो. दिस इज द मेन डैमेजिंग सिम्टम ऑफ योर लीफ माइनर. जो सिल्वरी व्हाइट ज़िगज़ैग गैलरीज हमारे पास बन रही हैं बिटवीन द एपिडर्मल लेयर्स. आपने याद रखना है इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है? A method of pest control that uses living organisms to suppress the pest population is. कौन सा method है pest control का जिससे हम pest population control करेंगे? Living organisms को use करके. Biological method, cultural method, mechanical method or physical method. So your right answer is biological method. आसान question है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है. अगर आपको पता होगा, इनकी normal definitions भी पता है, आप आसानी से इस question को कर सकते हैं. अगला सवाल, मल्टी जीन रेजिस्टेंट वेराइटीज IR36 एंड IR60 आर द रेजिस्टेंट वेराइटीज अगेंस्ट. किसके रेजिस्टेंट हैं ये? क्रोमाटोमिया हॉर्टिकोला, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, नीला पर्वता ल्यूजेंस या फिर साइक्लास फॉर्मिकेरियस. योर राइट आंसर इज, बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने, नीला पर्वता ल्यूजेंस. आपको यहां से पता चल रहा होगा कि आपकी कमी किस चीज में है. टेस्ट लगाने से, एमसीक्यू करने से हमें ये चीजें पता लगती हैं. आपको पता चल रहा होगा कि अभी आपको साइंटिफिक नेम्स प्रॉपरली याद नहीं है. तो नीला पर्वता ल्यूजेंस विल बी योर राइट आंसर. नीला पर्वता ल्यूजेंस क्या होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर ऑफ योर राइस, BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर. नेक्स्ट क्या है? द लार्वा ऑफ पेपिलियो डिमोलियस कैन बी मैनेज्ड बाय यूजिंग लार्वल पैरासिटॉइड एज अ मींस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो पेपिलियो डिमोलियस के लिए हमारे पास कौन सा हमारे पास पैरासिटॉइड है जिसे हम कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्ट्रिक्स पेपिलियोनिस, डायाडिग्मा सेमीक्लॉजम, रोडोलिया कार्डिनालिस और ब्यूवेरिया बेसियाना. योर राइट आंसर इज डिस्ट्रैक्ट्रिक्स पेपिलियोनिस विल बी द लार्वल पैरासिटॉइड जो सिट्रस बटरफ्लाई के लार्वास की किलिंग में आपके पास हेल्प करेगा. दिस विल बी दी राइट आंसर. वेरी गुड, कईयों ने सही जवाब दिया है, कईयों ने डायडिग्मा भी करा है. नेक्स्ट, द ग्रब्स फीड ऑन द इनर कंटेंट्स ऑफ पल्सेस, स्टोर्ड ग्रेन्स पेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्यूपेट्स इनसाइड द पल्स ग्रेन, द अडल्ट कमिंग आउट मेकिंग एग्जिट होल्स. द इन्फेस्टेशन कैन स्टार्ट इन द फील्ड्स वेयर द बीटल्स डिपॉजिट देयर एग्स ऑन द पॉड्स.
दिस डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, तो आप देख सकते हैं ग्रब किसको खा रहा है, पल्सिस को. पल्सिस का मतलब क्या है, दालों के पेस्ट की बात हो रही है, दालों के स्टोर्ड पेस्ट की. वेरी गुड, बच्चों ने सही जवाब दिए हैं. सिटोफिलस ओराइजे, केलोसोब्रुकस, ट्रोगोडर्मा और लाजियोडर्मा. योर राइट आंसर इज केलोसोब्रुकस चाइनेंसिस. अडल्ट एग्जिट होल्स बनाएंगे और इन्फेस्टेशन फील्ड से ही स्टार्ट हो सकती है. अडल्ट फ्लाइंग अडल्ट होते हैं इनके, तो वो वहां पर एगलेइंग कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. दीज इंसेक्टिसाइड्स रेंडर टॉक्सिसिटी टू इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन प्लांट टिश्यू बाय सकिंग सैप और इवन बाय च्यूइंग द प्लांट. तो पहली तो बात, कैसा इंसेक्टिसाइड है ये, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि सैप सक करके या फिर लीफ पर फीड करने के बाद फिर ये इंसेक्ट की किलिंग करेगा. विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, कौन सा आएगा, मेलाथियन, स्पायरोटेट्रामैट, साइपरमेथ्रिन और मोनोक्रोटोफॉस. योर राइट आंसर विल बी स्पायरोटेट्रामैट. व्हाट विल बी द राइट आंसर, स्पायरोटेट्रामैट. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द थ्रेड वॉर्म्स विच आर सॉफ्ट बॉडीड एंड नॉन सेगमेंटेड यूज टू किल इंसेक्ट. तो थ्रेड वॉर्म्स का मतलब क्या है, धागे जैसे इंसेक्ट, वो क्या होते हैं, निमेटोड्स. यहाँ निमेटोड्स की बात हो रही है. फाउंड नेचुरली इन सॉइल एनवायरमेंट्स मोस्ट इफेक्टिव एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिज्म. तो इसमें से कौन सा है जो निमेटोड है जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर दीजिए. बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी नहीं है आपने, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है. बैक्टीरिया कब से थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स होने लगे मुझे भी बता दो, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है. राइट आंसर विल बी हेटरोरैबडाइटिस. राइट आंसर क्या है, हेटरोरैबडाइटिस. ये तो आपके पास बीटी आ जाएगा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, मेटाराइजम एनाइसोप्ली आपके पास फंगस आ जाएगी और ब्यूवेरिया भी आपके पास फंगस आ जाती है. इसमें से जो नीमेटोड है हमारे पास, दे विल बी हेटरोरैबडाइटिस. रैबडाइटिस, स्टीनर नीमा, हेटरोरैबडाइटिस, फाजमा रैबडाइटिस, ये सब हमारे पास ईपीएनस में आते हैं. ईपीएनस का मतलब है एंटोमोपैथोजेनिक नीमेटोड्स, जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगेन डैमेजिंग सिम्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट. द ग्रब्स रिमेन बिलो द सॉइल एंड फीड ऑन रूट. जो ग्रब होगा वो सॉइल के अंदर रहेगा, रूट को खाएगा. अंडरग्राउंड स्टेम्स को भी खा सकता है और फ्रूट्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, जो फ्रूट सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगा उसे खाएगा. द अडल्ट्स ईट द लीफ लैमिना मेकिंग इररेगुलर होल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सच सिम्टम्स. तो ग्रब रहेगा जमीन में, अडल्ट रहेगा प्लांट के ऊपर. क्या आंसर है, ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस, केलोसोब्रुकस मैक्यूलेटस, साइक्लास फॉर्मिकेरियस और ओलेकोफोरा फोइविकोलिस. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है. योर राइट आंसर इज ओलेकोफोरा. ल्यूसिनोड्स क्या है, ये तो ब्रिंजल शूट बोरर है, ब्रिंजल फ्रूट बोरर है, तो फ्रूट के अंदर बोर करके फ्रूट को खाएगा, इसमें कोई ग्रब का काम नहीं है. केलोसोब्रुकस आपके पास क्या है, पल्स बीटल. साइक्लास क्या है, स्वीट पोटैटो वीवल. और लास्ट में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा रेड पंपकिन बीटल. ओलेकोफोरा क्या है हमारे पास, रेड पंपकिन बीटल, जिसके ग्रब हमारे पास हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं और अडल्ट कहां आ जाएंगे, ऑन द प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट्स रिड्यूस द ग्रेन कर्नल्स टू मेयर फ्रास. फ्रास का मतलब बिल्कुल पाउडर में वो कर्नल को रिड्यूस कर देंगे. द ग्रब्स प्यूपेट इनसाइड द ग्रेन और द ग्रेन डस्ट. Infestation in wheat can lead to reduced flower yields and will affect the quality of dough. क्या आंसर है इसका, lesser grain borer, rice weevil, anguimois grain moth और pulse beetle. Weevil और pulse beetle तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होंगे, क्योंकि उनमें कोई भी पाउडर की फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलती. ग्रेन मॉथ की भी अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी आपको पाउडरी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेंगी. और आंसर विल बी lesser grain borer. क्या आ जाएगा, lesser grain borer. इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, जो कि आप यहां से सारे के सारे पढ़ सकते हैं, अलोंग विद द डैमेजिंग स्टेजेस. क्या इनकी डैमेजिंग स्टेजेस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्वल पैरासिटॉइड ऑफ ग्राम पॉड बोरर इज. इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता. ग्राम पॉड बोरर क्या है, हेलिकोवर्पा. हेलिकोवर्पा का लार्वल पैरासिटॉइड आपके पास क्या है, देखो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे, बच्चे आंसर में ए ऑप्शन दे रहे हैं. ए कैसे हो सकता है, वो तो एग पैरासिटॉइड है. ट्राइकोग्रामा क्या होता है, एग पैरासिटॉइड. आपको पता होना चाहिए एग लार्वल प्यूपल के बीच में डिफरेंस. लार्वल पैरासिटॉइड पूछा गया है, लार्वल आएगा हमारे पास कॉस्मोपोलिटस क्लोरिडे. क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास आता है
अडल्ट मेल बीटल्स हैव हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन पढ़ी है, यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन हमें किस अडल्ट मेल बीटल में देखने को मिलती है, ऑन दी हेड द अडल्ट बोर्स इन टू द अनओपन्ड फ्रॉन्ड्स एंड स्पैट्स इन कोकोनट एंड द सेंट्रल स्पिंडल अपीयर्स कट और टॉपल्ड शोज द अटैक ऑफ विच इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट है, ओरैक्टिस राइनोसेरोस, एकेरोंशिया स्टाइक्स, एथेलिया ल्यूजेंस या फिर लिपाफिस एरीसीमी। योर राइट आंसर इज ओरैक्टिस राइनोसेरोस, जिसे हम राइनोसेरोस बीटल भी बोलते हैं। किसमें हमें देखने को मिलेगी, कोकोनट में देखने को मिलता है, याद रखना है। जो अडल्ट का हेड होता है, अडल्ट के हेड में हमारे पास इस तरह से एक हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल राइनोसेरोस के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड ऑन अ फ्यू प्लांटेशन इन दी नीलगिरीज, नीलगिरीज में 1990s के आसपास कुछ प्लांटेशन में देखने को मिला था। फीमेल लेज एग्स इन साइड द बेरीज एंड लार्वे फीड इन साइड द बेरी मेकिंग इट कम्प्लीटली हॉलो एट टाइम्स। पहले नीलगिरीज में आया था, फीमेल की एगलिंग कहाँ होगी, बेरी के अंदर होगी। तो नीलगिरीज में सोचो हम क्या लगा देते हैं, कॉफी वाली क्रॉप हमें वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जो बेरीज होंगे उन्हें पूरी तरह से हॉलो भी कर दिया जाता है। क्या है इसका ऑप्शंस, लेंटिल पॉड बोरर, कॉफी बेरी बोरर, पी ब्लू बटरफ्लाई और योर ब्लैक हेडेड कैटर पिलर। योर राइट आंसर इज कॉफी बेरी बोरर, साइंटिफिक नेम क्या है, हाइपोथनेमस हैम्पी, वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट है ऑफ योर कॉफी, यू शुड रिमेम्बर इसका साइंटिफिक नेम भी और इसका डैमेजिंग सिम्टम भी, दोनों चीजें। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट, आप लोग अपने कमेंट्स रखिए साथ में, ताकि आपको पता चले आपको कितना याद है और कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रब्स फीड ऑन द ग्रोइंग टिप, टेंडर स्टेम, स्पाइक्स एंड बेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रब बोरिंग द बेरीज ड्राई अप एंड टर्न डार्क इन कलर, सच हॉलो बेरीज आर कॉल्ड पोलू बेरीज, दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ। तो ग्रब्स किस पे फीड कर रहे हैं, स्पाइक्स पे और बेरी पर फीड कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो आपकी बेरीज हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। ड्राई होने के बाद आप उन्हें क्रम्बल कर सकते हैं और उन बेरीज को हम क्या बोलते हैं, पोलू बेरीज। यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, पोलू बीटल की बात हो रही है। और पोलू बीटल कौन सी क्रॉप में देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर, हिंदी में क्या बोलेंगे, काली मिर्च। ब्लैक पेपर में हमें पोलू बीटल देखने को मिलती है। क्या आंसर है, लॉन्गी टार्सस निगरी पेनिस। हेलिकोबर्पा का यहाँ कोई काम नहीं है, लैम्पीड्स बोएटिकस तो बटरफ्लाई है, पी ब्लू बटरफ्लाई, लॉन्गी टार्सस निगरी पेनिस इज योर पोलू बीटल का साइंटिफिक नेम। हेलो पेल्टिस एंटोनाई हमारे पास टी मस्किटो बग आएगा, और हेलो पेल्टिस एंटोनाई किसमें देखने को मिलता है, कैश्यू नट में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, Adults and nymphs suck the sap from the plants. The panicle formation is inhibited and the plants die if the attack is severe. तो अगेन adults and nymphs की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ तो Hemiptera order से related होना चाहिए। अब symptom क्या है, The midribs of the leaves turn red due to the egg laying and may dry up subsequently. तो panicle की inhibition भी हमें देखने को मिलेगी और leaf की midrib भी red हो जाएगी। क्या ऑप्शंस है हमारे पास, पेरिग्राइनस मेडिस, रेफेलोसाइफम मेडिस, एथेरिगोना सोकाटा एंड कैलोकोरिस एंगस टेटस। योर राइट आंसर विल बी पेरिग्राइनस मेडिस, सोर्गम में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर इज पेरिग्राइनस मेडिस। नेक्स्ट इज अंडर हाई ह्यूमिडिटी, हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन एंड नो विंड, हॉपर बर्न इज सीन इन वेरियस लोकैलिटीज। It also transmits the grassy stunt virus disease of rice. तो grassy stunt का vector भी है ये, और hopper burn जैसे symptom भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या answer है इसका? Very good. इसका answer तो सबका सही होना चाहिए। Leptocorisa acuta, Dicladisparmigera, नीला पर्वता lugens और Scarpophaga insertulus. Your right answer is नीला पर्वता lugens, जो कि है हमारे पास brown plant hopper. Leptocorisa क्या होता है? Rice गंधी bug. जिससे हमारे पास फील्ड में से हमें फाउल स्मेल देखने को मिलती है, वो क्या है, राइस गंधी बग। स्कर्पोफेगा इंसर्ट्यूलस क्या आ जाएगा हमारे पास, येलो स्टेम बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट्स हैव एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट, यहीं से आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट का। कौन से इंसेक्ट में हमें एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट देखने को मिलता है,
लैसरेट द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर बड्स एंड फीड ऑन द ऊजिंग सैप कमिंग आउट ऑफ देम आर नोन एज एफिड्स बग्स थ्रिप्स एंड बीटल. वॉट इज द राइट आंसर? वेरी गुड, योर राइट आंसर इज थ्रिप्स. इतना याद रख लो कि जो थ्रिप्स है वो लेफ्टी है, उसमें राइट मैंडिबल एबसेंट है. सो थ्रिप्स इज अ लेफ्टी, तो उसकी वजह से उसमें एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स हैं, थ्रिप्स आ जाएगा. और थ्रिप्स की फीडिंग क्या होती है? रास्पिंग एंड सकिंग. अल्फाबेट सीरीज तो सबको पता होगी, क्यू आर एस टी. तो आर एस टी से याद रख लो, रास्पिंग एंड सकिंग किसमें देखने को मिलेगा? थ्रिप्स में. थ्रिप्स क्या है? लेफ्टी है, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स हैं, राइट मैंडिबल एबसेंट है, लेफ्ट इसमें प्रेजेंट रहेगी. नेक्स्ट, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ पॉलीफेगस पेस्ट? आ गया क्वेश्चन पॉलीफेगस पेस्ट का भी. तो ब्रिंजल फ्रूट बोरर, बिहार हेरी कैटरपिलर, कैबेज बटरफ्लाई और मस्टर्ड सॉफ्लाई. योर राइट आंसर इज बिहार हेरी कैटरपिलर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द ट्रैकियल सिस्टम विच एड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द इंटेग्यूमेंट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी आर कॉल्ड एज. श्वासन नाली तंत्र के छोटे छोटे छिद्र जो कीट के शरीर के आवरण पर गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं कहलाते हैं. एनलपोर, स्पाइरिकल, सरसाई, कॉर्निकल्स. वेरी गुड, सब बच्चों ने सही जवाब दिया है, स्पाइरिकल्स. जैसे ह्यूमन बींग्स में नोज प्रेजेंट होता है, वैसे इंसेक्ट की बॉडी में स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होंगे जिससे कि एयर उनकी बॉडी के अंदर जाती है. रेस्पिरेशन कैसी होती है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगी हमारे इंसेक्ट्स में. उनके अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट होंगे जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्या है? द डार्क ब्राउन हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट विच प्रोटेक्ट द इंसेक्ट अगेंस्ट डेसिकेशन. डेसिकेशन का मतलब क्या है? मॉइस्चर लॉस. प्रोवाइड्स द साइट फॉर मसल अटैचमेंट एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ. तो जो बाहर की जो हार्ड कवरिंग है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसकी बनी है? काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन, सेल्यूलोस और एसिटिलीन. कीट के शरीर पर गहरा भूरा कठोर सुरक्षात्मक आवरण जो कीट को सूखने से बचाता है, मांसपेशियों को जोड़ने के लिए जगह प्रदान करता है और शरीर के आकार को बनाए रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम? काइटिन. और काइटिन किसका बना होता है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन से हमारे पास क्या बनता है? काइटिन. काइटिन प्लस कुछ प्रोटीन मिलके हमारे पास जो इंसेक्ट का इंटेग्यूमेंट होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो बनाएंगे. तो आपने याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन एंड ओकरा. ओकरा क्या है? भिंडी. तो कॉटन और ओकरा दोनों में आपको ये पेस्ट देखने को मिलेगा. लार्वा इज ब्राउनिश इन कलर विद व्हाइट स्ट्रीक्स डॉर्सली एंड पेल येलो वेंट्रली and bore into the terminal portion of the shoot. Pink bollworm, internode borer, cut worm or spotted bollworm. तो ऐसा कौन सा pest है जो हमें इन दोनों में देखने को मिलेगा? Your right answer is your spotted bollworm. Identification का question है, इसमें आप identify करेंगे कि larva का कैसा color आपको देखने को मिलेगा और जो adult होंगे वो किस तरह के देखने को मिलते हैं. Right answer is spotted bollworm. तो स्पॉटेड बॉलवॉर्म की आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कॉटन ओकरा में देखने को मिलता है और फ्लेयर स्क्वायर या फ्लेयर अप एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारे पास स्पॉटेड बॉलवॉर्म का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरासिटॉइड अटैकिंग द एग्स ऑफ टॉप बोरर ऑफ शुगर केन फॉर देयर कंट्रोल इज. कौन सा पैरासिटॉइड है जो टॉप बोरर ऑफ शुगर केन को अटैक करता है? योर राइट आंसर इज ब्रैकाइमेरिया, टेलिनोमस बेनिफिशियंस, नोजेमा बॉम्बिसिस और ट्राइकोग्रामा चिलोनिस. वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, टेलेनोमस बेनिफिशियंस इज द राइट आंसर. क्या है? टेलेनोमस बेनिफिशियंस. ट्राइकोग्रामा नहीं आएगा. नेक्स्ट, द पैरासिटॉइड ऑफ कॉटन कुशनी स्केल. कॉटन कुशनी स्केल का साइंटिफिक नेम क्या है? आइसेरिया परचेजी. उसके पैरासिटॉइड का नाम क्या है? ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रिने, रोडोलिया कार्डिनालिस, एनकार्जिया फॉर्मोसा और एपिरिकेनिया मिलानो ल्यूका. राइट आंसर इज रोडोलिया कार्डिनालिस, जिसे हम विडालिया बीटल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विडालिया बीटल. सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर साइंटिफिकली हमने रिकॉर्ड किया था वो इसी में किया था, कॉटन कुशनी स्केल में. किसने किया था? सी वी रायली ने किया था. याद रखना है आपने, फर्स्ट साइंटिफिक एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल सी वी रायली ने दिया था, कॉटन कुशनी स्केल में दिया था, जिसे कंट्रोल किया था रोडोलिया कार्डिनालिस विडालिया
बीटल ने। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल को और यूज करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवर विंटरिंग विद इन द डैमेज्ड कॉटन बॉल बाय द लास्ट जनरेशन लार्वा ऑफ पिंक बॉलवर्म इज कॉल्ड एज। गुलाबी बॉलवर्म की पिछली पीढ़ी के लार्वा द्वारा क्षतिग्रस्त कपास के बीज कोष के भीतर शीत ऋतु में रहने को क्या कहा जाता है? सिंगल सीड फॉर्मेशन, डायापॉज, डबल सीड फॉर्मेशन और एस्टिवेशन। देखो बच्चों ने डायापॉज भी इसका आंसर कर दिया जो कि गलत है। डबल सीड फॉर्मेशन हम उसे कहते हैं जब कॉटन बॉल के अंदर लार्वा आपका ओवर विंटर करता है ऑफ योर पिंक बॉलवर्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अ रो ऑफ स्मॉल हुक्स प्रेजेंट ऑन द कॉस्टल मार्जिन ऑफ हाइंड विंग। हाइंड विंग के कॉस्टल मार्जिन पे हुक्स प्रेजेंट है। अटैच्ड टू द फोल्डेड पोस्टीरियर एज ऑफ द फोर विंग इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। किसका क्वेश्चन है? विंग कपलिंग का क्वेश्चन है। कौन सी कपलिंग देखने को मिल रही है? हैम्यूलेट विंग कपलिंग, जिसमें हुक्स प्रेजेंट रहेंगी। क्या एग्जाम्पल है? ग्रास हॉपर, बीज, मॉथ्स और बटरफ्लाई। योर राइट आंसर विल बी योर हनी बीज। हनी बीज में हमें हैम्यूलेट विंग कपलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से हुक्स प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट इज द लार्वे स्पिन थ्रेड एंड विद द हेल्प ऑफ एयर रीच फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। Under severe attack, field looks as it is grazed by the cattle is the characteristic symptom of। Larva धागे बुनते हुए हवा की मदद से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं। गंभीर हमले में खेत मवेशियों के द्वारा चरे हुए जैसा दिखता है। Caelopatellus, Odontotermis obesus, Mythemna separata और Tanimacus indicus। Your right answer will be Mythemna separata। क्या है ये? आर्मी वर्म ऑफ वीट। वीट के आर्मी वर्म को हम क्या बोलते हैं? Mythemna separata। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने। और आर्मी वर्म ऑफ वीट इज अ स्पोराडिक पेस्ट। Mythemna separata क्या है? स्पोराडिक पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? द ट्यूब्स प्रोजेक्टिंग ऑन द इंसेक्ट बॉडी विच परमिट एस्केप ऑफ वैक्सी फ्लूइड विच सर्व्स एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर इन एफिड्स आर सीक्रेटेड फॉर्म। तो एफिड में ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो एक लिक्विड सीक्रेट करती हैं, वैक्स सीक्रेट करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हनी ड्यू। क्या बोलेंगे? हनी ड्यू। कहां से सीक्रेटेड होता है वो? सरसाए, कॉर्निकल्स, गैस्ट्री और टारसाई। योर राइट आंसर विल बी, वेरी गुड, कॉर्निकल्स इज द राइट आंसर। और कॉर्निकल्स कहां प्रेजेंट होती हैं? ऑन योर एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वे मेक एन एमर्जेंस होल लोकेटेड अबव द वाटर लेवल बिफोर प्यूपेशन। तो प्यूपा बनाने से पहले लार्वा एक इमरजेंस होल बना लेगा पानी से थोड़ा सा ऊपर। प्रोड्यूसेस डेड हार्ट ऑन द अफेक्टेड प्लांट्स एंड द अफेक्टेड प्लांट्स बिकम डिवॉइड ऑफ ग्रेन्स अपीयरिंग एज व्हाइट ईयर इज अ सिम्टम ऑफ। किसका सिम्टम है ये? हायरोग्लाइफस बैनियन, नीला पर्वता ल्यूजेंस, लेप्टोकोरिसा एंड स्कर्पोफेगा इंसर ट्यूलस। कुछ बच्चों ने ए कहा है, कुछ ने बी कहा है, जिन्होंने डी कहा है उनका सही आंसर है स्कर्पोफेगा। क्योंकि ये किसका सिम्टम है? येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस का सिम्टम है ये, जिसमें वो एक होल बनाएगा प्यूपेट करने से पहले और व्हाइट ईयर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इन योर राइस। योर राइट आंसर इज येलो स्टेम बोरर स्कर्पोफेगा। नेक्स्ट, द लार्वा फॉर्म ट्यूबुलर केसेस अराउंड द टिलर्स। टिलर किसमें होगा? राइस में टिलर्स देखने को मिलते हैं, वहां पे वो ट्यूबुलर केस बना लेगा। These cases can be removed by passing the rope on the rice crop and then drain the water is an IPM control method for। किसके लिए IPM control method है? Paddy case worm, green leaf hopper, yellow stem borer and ear head bug। Very nice, your right answer will be paddy case worm। Case word से ही आपने याद रखना है, tube like cases उसने बनाए हैं, paddy case worm। Next question, the mechanisms of host plant resistance where the plant is not adversely affected by the insect feeding on it, hence does not hamper the yield from the plant is called as। क्या कह रहा है? परपोषी पौधे प्रतिरोध तंत्र जहां पौधे पर कीड़ों के खाने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए पौधे से उपज में बाधा नहीं आती है, उसे क्या कहा जाएगा? नॉन प्रेफरेंस, एंटीजेनोसिस, एंटीबायोसिस या फिर टॉलरेंस। जो बच्चे बी कह रहे हैं, कैसे कह रहे हो आप? बी ऑप्शन तो अभी हमने पहले देखा था जिसमें प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात हुई थी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंसेक्ट उसे खाएगा लेकिन प्लांट की प्रोडक्शन में, यील्ड में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। उसका आंसर क्या आ जाता है? टॉलरेंस।
HPR में ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। वैरायटीज अगर आपने देखी हो, रेजिस्टेंट भी होती हैं, टॉलरेंट भी होती हैं। रेजिस्टेंट वो होती हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट फीड ही नहीं करेगा कभी भी। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को सहन कर सकते हैं, तो टॉलरेंस का मतलब उसके ऊपर इंसेक्ट आएगा, उसके ऊपर फीड करेगा, लेकिन फिर भी प्लांट की यील्ड में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती, उन्हें हम बोलते हैं टॉलरेंट वेराइटीज, और उस टर्म को हम बोलेंगे टॉलरेंस। नेक्स्ट क्या है, अडल्ट ले एग्स इनसाइड द फ्रूट थ्रू एन ओविपोजिटर। तो अडल्ट होगा वो ओविपोजिटर के थ्रू फ्रूट के अंदर एग लेइंग कर देगा, और विच एक्ट्स एज एंट्री होल्स फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। अब उसने ओविपोजिटर से एग लेइंग कर दी, वहां पर होल हो जाएगा और वहां से और आपको और बैक्टीरियल इंफेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। मैगट्स फीड ऑन द पल्प विच स्मेल्स बैड, डिसकलर्ड एंड टर्न्स इनटू सेमी लिक्विड मास एंड प्यूपेट इन द सॉइल। मैगट पल्प पे फीड करेंगे और प्यूपा कहाँ बनाते हैं, सॉइल के अंदर। किसका सिम्टम है ये, स्टोन वीविल, फ्रूट फ्लाई, स्टेम बोरर और मीली बग। अगर इसका भी आंसर गलत कर रहे हो तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, मैंगो फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्रूट फ्लाई विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट इज द लार्वल पैरासिटॉइड ऑफ वुली एप्पल एफिड इज, जो वुली एप्पल एफिड होता है एरियोसोमा लैनिजेरम, उसका लार्वल पैरासिटॉइड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफेलिनस माली, हाइड्रोनोटस एंटेस्टेडे, गोनोइजिस, नेफेंटिडिस और ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। योर राइट आंसर विल बी एफेलिनस माली। क्या आ जाता है सही आंसर, एफेलिनस माली, याद रखना है आपने, वुली एप्पल एफिड का पैरासिटॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV विच एंटर्स द गट ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट के स्टमक के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, एंड किल्स इट, यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ वायरसेस। अब देखो एनपीवी वायरस तो है, पर वायरस के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, इरिडो वायरस, डेंसो वायरस, एंटोमोपॉक्स वायरस और बैक्यूलो वायरस। वेरी नाइस, योर राइट आंसर इज बैक्यूलो वायरस। आपने याद रखना है एनपीवी, बीटी और हमारे पास फंगस होती है मेटाराइजियम और ईपीएन, ये सब बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल ही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये आपको सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं सो दैट यू कैन स्टडी। डायमंड बैक मॉथ इज अटैक्ड बाय विच लार्वल पैरासिटॉइड विच इज यूज्ड एज अ मेथड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। तो डायमंड बैक मॉथ के लिए हम कौन सा पैरासिटॉइड इस्तेमाल करते हैं, डिस्टैट्रिक्स, डायाडिग्मा, रोडोलिया और ब्यूवेरिया बेसियाना। योर राइट आंसर इज डायाडिग्मा सेमीक्लॉजम, डायाडिग्मा सेमीक्लॉजम। नेक्स्ट, द कैटरपिलर्स आर डैमेजिंग विच इमर्ज एट नाइट। तो कैटरपिलर्स कब आएंगे, रात को बाहर निकलेंगे। कट द सीडलिंग एट द ग्राउंड लेवल, जो सीडलिंग होगा उसे ही वो ग्राउंड लेवल पे काट देंगे, एंड ड्रैग इट इन टू द सॉइल, उसको सॉइल में ड्रैग करके ले जाएंगे और फिर उस पर फीड करेंगे। दीज आर द डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ, किसके डैमेजिंग सिम्टम्स हैं, एग्रोटिस इप्साइलन, अमरास्का बिग्यूटुला, अम्साक्टा मूरी और हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा। राइट आंसर इज एग्रोटिस इप्साइलन, जिसको हम कट वॉर्म भी बोलते हैं, कट वॉर्म्स होते हैं ये। कट वॉर्म का सिम्टम आपको बताया गया है और ये उनमें ही देखने को मिलेगा, सीडलिंग कट करके उनके ऊपर फीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द ग्रब्स फीड ऑन द फ्लावर एंड फ्लावर प्रोडक्ट्स। तो जो आटा होता है और आटे जैसे जो प्रोडक्ट उनके ऊपर हमारा ग्रब फीड करेगा, एंड ऑल्सो ऑन द ऑलरेडी डैमेज्ड ग्रेन्स। इन केस ऑफ सिवियर अटैक द फ्लावर हैज ग्रेश ऑर्डर, आटे में ग्रेश जैसा कलर आपको देखने को मिलेगा और मोल्डी अपीयरेंस देखने को मिलती है। किसका सिम्टम है ये, राइस वीविल, पल्स बीटल, रेड फ्लोर बीटल और खपरा बीटल। सो योर आंसर विल बी रेड फ्लोर वीविल, ट्राइबोलियम कैस्टियानम, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना है रेड फ्लोर वीविल कभी भी हेल्दी ग्रेन पर फीड नहीं करेगी, जो ऑलरेडी डैमेज्ड ग्रेन्स होंगे उस पर ही वो फीड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन बी, इसमें से कौन से इंडियन बी नहीं है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका और एपिस मेलीफेरा। वेरी गुड, द राइट आंसर इज योर एपिस मेलीफेरा, बिकॉज ये क्या है, यूरोपियन बी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वींस इन अ बी कॉलोनी इज, बी कॉलोनी में कितनी क्वींस होती हैं, जितने ड्रोन्स हैं उतनी,
बहुत सारी, दो या सिर्फ ओनली वन क्वीन हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट, अ मिल्की सीक्रेशन मेड बाय हनी बीज विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड यूज्ड एज द फूड फॉर क्वीन बी इज प्रोड्यूस्ड बाय. तो किसकी बात हो रही है? रॉयल जेली की. रॉयल जेली को प्रोड्यूस कौन करता है? क्वीन, ड्रोन वर्कर और द स्टेराइल मेल. सो योर आंसर इज वर्कर. और वर्कर के कौन से ग्लैंड सीक्रेट करते हैं? हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड्स. हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड्स हमारे पास वर्कर के रॉयल जेली सीक्रेट करेंगे. नेक्स्ट इज नोजेमा इज कॉज्ड बाय द स्पोर फॉर्मिंग माइक्रोस्पोरोडियन नोजेमा एपिस. दिस डिजीज ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाय एल्गे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगस. बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं कि इसका आंसर क्या है. योर राइट आंसर विल बी फंगस. अब देखो इसमें प्रोटोजोअन भी आपके पास राइट आंसर हो सकता है, पर अब हमने प्रोटोजोआ को फंगस की कैटेगरी में ही इंक्लूड कर लिया. पहले हमने प्रोटोजोअन्स अलग करे थे, अब हमने उनको फंगस के साथ इंक्लूड कर लिया है, तो हम नोजेमा को क्या बोलेंगे? दैट इट इज अ फंगल डिजीज. ठीक है, प्रोटोजोआ सही आंसर है अगर ऑप्शन में फंगस ना दिया हो. अगर ऑप्शन में फंगस है तो हम फंगस ही कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट, हनी इज अ नेचुरल प्रोडक्ट दैट कंटेन्स अबाउट 200 सब्सटेंसेस. द फुली राइप हनी कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ. फुली राइप हनी में हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोज, वाटर और फ्रक्टोज. वेरी गुड, द राइट आंसर इज फ्रक्टोज. नेक्स्ट, रॉयल जेली इज द सीक्रेशन ऑफ. कौन से ग्लैंड्स की सीक्रेशन है रॉयल जेली? लेबियल ग्लैंड्स, न्यूरोसिक्रेटरी ग्लैंड्स, हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड्स और योर मैंडिबुलर ग्लैंड्स. आंसर आ जाएगा हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड्स. मैंडिबुलर ग्लैंड से हमें क्या देखने को मिलता है? क्वीन सब्सटेंस. जो क्वीन सब्सटेंस होता है ओडीए, उसकी सीक्रेशन कहां से होगी? फ्रॉम दी मैंडिबुलर ग्लैंड से हमें देखने को मिलती है. द इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन. इंडिया का लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? मैसूर, पुणे, दिल्ली और रांची. व्हाट इज द राइट आंसर? रांची विल बी योर राइट आंसर. क्या आंसर है? रांची. वेरी गुड. लैक इंसेक्ट भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. द ड्यूरेशन व्हेन देयर इज नो हनी फ्लो इज कॉल्ड एज. जब कोई हनी फ्लो नहीं होता उस पीरियड को क्या बोला जाता है? डर्थ, स्वार्मिंग, एब्सकॉन्डिंग और सरप्लस. व्हाट विल बी द राइट आंसर? इट इज द डर्थ पीरियड. डर्थ मतलब इस टाइम पर कमी है हमारे पास, हनी फ्लो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लैक इंसेक्ट इज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैक इंसेक्ट में कौन सी रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है. पार्थिनोजेनेसिस, ओवीपैरस, विवीपैरस और ओवोविवीपैरस. राइट आंसर इज ओवोविवीपैरिटी हमें इनमें देखने को मिलेगी. लैक इंसेक्ट इज योर ओवोविवीपैरस. नेक्स्ट इज द सिल्क फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू फिब्रोइन फिलामेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय अ सीमेंटिंग लेयर ऑफ. रेशम के फिलामेंट दो फिब्रोइन फिलामेंट से बना होता है जो एक सीमेंटिंग परत द्वारा एक साथ बंधे हैं. क्या होगी वो? सेरिसिन, पेक्टिन, फिब्रोइन और ग्लिसरीन. योर राइट आंसर इज सेरिसिन. सेरिसिन गम लाइक सब्सटेंस है, रेजिनस सब्सटेंस है जो कि हमारे सिल्क के फिलामेंट्स को ज्वाइन करके रखता है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ प्रोलेग्स ऑफ सिल्कवॉर्म लार्वे इज कॉल्ड. जो सिल्कवॉर्म के लार्वे होते हैं उनके नीचे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या कहेंगे? स्पिनरेट, स्यूडोपॉड्स, प्रोपेग्यूल्स और योर क्रॉचेट्स. योर राइट आंसर इज क्रॉचेट कहा जाता है, जो कि आपकी लेग्स होती हैं सिल्कवॉर्म की, प्रोलेग्स, उनके नीचे जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज द न्यूली हैच्ड सिल्कवॉर्म्स आर कॉल्ड एज. जो अभी अभी सिल्कवॉर्म्स हैच हुए हैं उन्हें क्या बोला जाता है? केग्स, चौकी और एंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाता है ऑल ऑफ द अबव. इन तीनों में से उन्हें कुछ भी कहा जा सकता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज अ सिल्क स्पन फ्रॉम द ओपन एंडेड कुकून्स. सिल्क हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं. जो ओपन एंडेड कुकून से सिल्क बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अहिंसा सिल्क भी हम उसे बोल सकते हैं. किससे बनेगा? म्यूगा, एरी टैसर और ओक टैसर. योर राइट आंसर विल बी एरी सिल्क इज योर ओपन एंडेड कुकून से हमें देखने को मिलता है.
सो दिस वॉज योर 100 क्वेश्चन सेशन, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं एंटोमोलॉजी के. आई होप आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिली होंगी, बहुत सारी चीजें आपने नई भी देखी होंगी, आपको पता चला होगा कि आपकी कमी कहाँ पर है और आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, कितना आपको याद है. तो एंटोमोलॉजी जितना आपको मुश्किल लगता है वो उतना ही आसान है अगर आप उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे. जब तक आपको एंटो के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप कभी भी इंसेक्ट के नाम और उनके डैमेजिंग सिम्टम्स को याद नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए आप प्लीज उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए. जब आपको एक बार इंसेक्ट की बॉडी की नॉलेज हो जाएगी तो सारे जो आपके पेस्ट हैं वो भी आपको याद करने आसान हो जाएंगे. साइंटिफिक नेम तो आपको याद करने पड़ेंगे, उनका कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्रिपेयर वेल.